हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए बहुत 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 छोटा सा टॉपिक लेके। राउल ट्रफ फॉर स्पेशल केस इन हेनरी लॉ है ना। राउल्ट लॉ छोटा सा टॉपिक है, राउल्ट लॉ इन स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कुछ नहीं, बहुत 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 बेकार सी छोटी सी बात बतानी है कि आपका वो कौन सा कंपोनेंट है जो हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ दोनों को इक्वल करता है। कुछ नहीं, राउल्ट लॉ याद कर लीजिए, राउल्ट लॉ रिकॉल कर लिया देंगे, रिकॉल कर लीजिए। राउल्ट लॉ कहते हैं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन वोलेटाइल के लिए। ये कहता है कि वेपर प्रेशर, देख लीजिए राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट कहता है, राउल्ट लॉ कहता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है तो प्रेशर, वेपर का प्रेशर। और ये भैया हेनरी क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। भाई वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कहा जाता है, पार्शियल कहा जाता है जब दो तीन चार कंपोनेंट आपस में मिक्स करे जाएं तो किसी एक के प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब याद करिए कि क्या राउल्ट लॉ में आपने एक कंपोनेंट के बारे में केवल बात किया, ऐसा नहीं है। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में बहुत सारे लिक्विड मिलाए गए हैं और सबके सब वेपर बना रहे हैं, तो सब आपका मिक्सचर बन गया नहीं बन गया। तो राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ एक साथ अप्लाई करा जा सकता है। जहां आपका पहले वेपर प्रेशर बात करते थे वहीं हम पार्शियल वेपर प्रेशर करते हैं जब मिक्सचर होता है तब, और सॉल्यूशन आपका एक मिक्सचर है। तो आप देखिए क्या होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, जहाँ जाई ए लिखते थे वहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर में हम लोग पी इज इक्वल टू के एच इंटू जाई लिखते थे, लिखते लिखते थे एक के एच क्या आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर मैं इसी को पी ए कह दूँ पी ए और इसको जाई ए कर देता हूँ, मतलब दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ आपका वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। और अगर यही आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है, तो हम आपको अच्छे से पता है मिक्सचर के लिए जो वेपर प्रेशर था वही वेपर प्रेशर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या नाम देना शुरू कर देंगे बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रिक्त स्थान को भरो, इस रिक्त स्थान पे आपकी मर्जी आप पी ए नॉट लिख लो और इस रिक्त स्थान पे आपकी मर्जी आप के एच लिख लो, दोनों लिख के काम चला सकते हो। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, चाहो तो आप यहाँ पी ए नॉट लिख लो हेनरी लॉ कांस्टेंट की जगह, और चाहो तो आप लिख सकते हो भैया पी ए इज इक्वल टू के एच जाइए। मतलब कहने का है स्पेशल केस में आपका ये पी ए नॉट और के एच दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो बहुत केयरफुल होके हम लोग अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सीट सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ध्यान देंगे हम लोग कि पी ए नॉट की जगह हम लोग के एच लिख सकते हैं और के एच की जगह हम लोग पी ए नॉट लिख सकते हैं। एंड दिस इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ ओवर राउल्ट लॉ या राउल्ट लॉ ओवर हेनरी लॉ। ये आपको बहुत छोटा सा छोटू सा मैं आपको लेक्चर लेके आया था, इस छोटू से लेक्चर में आपको होपफुली ये बातें बढ़िया से समझ में आ गई, इस बच्चे से दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो आप अगले लेक्चर के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, फिर से हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।